Hello everyone, I am Deepak and I will cover your mathematics sections. So my first topic is graphical transformation. So let's see some trigonometric graphs which is so basic. चलिए सबसे पहले sin x ग्राफ देखते हैं हम. ये यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है पाई बाय टू पे और ये पाई बाय यहाँ पे ये 3 पाई बाई टू और ये 2 पाई बाई ये मेरा ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का. इस हिसाब से आप लोग आगे बात बना सकते हैं. ये मैक्सिमम अटेंड करेगा 1 और यहाँ पे ये माइनस 1. ओके अब cos x का देख लेते हैं. ये छोटा बड़ा मुझे हो रहा है क्योंकि ये बोर्ड है तो इसमें आप लोग एडजस्ट करिएगा. सेम पोर्शन में होता है बड़ा नहीं होता है. यहाँ पे ये यहाँ पे है 1 और ये यहाँ पे है माइनस 1. ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है और ये यहाँ पे 2 पाई है. इधर आगे कर सकते हैं. तो ये कौन सा है y इक्वल टू cos x का ग्राफ है. अब एक टेंजेंट फंक्शन का भी होता है जिसको हम लोग y इक्वल टू tan x बोलते हैं. ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई. यहाँ पे माइनस पाई बाई 2, यहाँ पे प्लस पाई बाई 2 और किसको टेन कर रहा है, ये इन्फिनिटी को टेन कर रहा है. ये जो ग्राफ है ये किसका है, y इक्वल टू टेन एक्स का है. ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई. ये पाई बाई 2 पे कॉटेक्स जो होता है वो 0 होता है. y इज इक्वल टू कॉटेक्स. तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है जस्ट लाइक सेकेंट्स कोसेक्स एच भी होता है, वो सब आता ही होगा आपको. तो कुछ कुछ बेसिक बस हम ओवरव्यू यहाँ पे दे रहे हैं आप लोगों को. तो हम लोग अभी यहाँ पे जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ था वो सारा कुछ देख चुके हैं. अब कुछ बेसिक और ग्राफ होता है जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. आपको तो मालूम होगा सारा, आप लोग पढ़े हुए हैं एकदम. शेप वाइज फंक्शन भी इसको बोलते हैं. 0, 1, 2, 3 ये यहाँ पे माइनस 1, ये माइनस 1, ये 1 और ये यहाँ पे 2. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है. और एक फ्रैक्शन फंक्शन भी होता है जिसका 1, 0, 1, -1, -2 और यहाँ पे ये मैक्सिमम 1 को अटेंड करता है. ये y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है. और कुछ फंक्शन होता है जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोग जानते हो. ये y इज इक्वल टू ए टू द पावर x बोल लीजिए, ए टू द पावर x बोल लीजिए. तो ये मेरा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक लॉगरिथमिक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू ln x. तो ये कुछ कुछ ग्राफ है. इस ग्राफ को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे. तो चलिए हमने यहाँ पे कुछ बेसिक ग्राफ देख लिए, ठीक है. अब कुछ बातें सीख लेते हैं जैसे कि y इक्वल टू एक fx ग्राफ है एंड y इज इक्वल टू एक gx ग्राफ है. ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है. अब जैसे पहला है fx, मान के लिए ये ऐसे का ग्राफ है. दूसरा है gx, ये ऐसे का ग्राफ है. तो अगर मेरे कॉपी में लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू gx और पूछा कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे. नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होता है जहां पे एफ एक्स और जी एक्स दोनों कितने नंबर ऑफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स इंटरसेक्ट. तो वही है जैसे कि देख लेते हैं ये दोनों ग्राफ. जैसे ये है एफ एक्स और दूसरा क्या है जी एक्स है, मान चलिए ये है ऐसे करके. तो पहला फंक्शन जो है ये
क्या है y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये क्या है y इज इक्वल टू जी एक्स है। तो अगर पूछा जाए कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इसका तो देख लेंगे कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे बस दो ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, दो होगा, दो ही सॉल्यूशन, एक है ये और एक ये है। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, बताइए x प्लस माइनस ए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर प्लस ए बोल रहा है तो हम लोग लेफ्ट साइड में उतना यूनिट से शिफ्ट करेंगे, अगर निगेटिव बोल रहा है तो राइट साइड में उतना यूनिट से शिफ्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल उठा लेते हैं, बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, सबको पता होगा इसका ग्राफ कैसा होता है। ये है मेरा y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x पहला, ये केस वन है। केस टू अगर बोला जाए हम लोगों को कि नहीं y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस टू, बताइए क्या होगा हम लोगों के पास, तो कुछ नहीं करना है, हम क्या बोलेंगे, इसलिए प्लस टू यूनिट है अंदर में विद इन द ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको टू यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देना है, मतलब ये जो मेरा ग्राफ है इसको उठा के हमको क्या करना है, दो यूनिट इधर लेते आना है। तो चलिए उठा के लेते आते हैं, ये माइनस वन है, ये माइनस टू है और ये माइनस थ्री है। तो चलिए ग्राफ को उठा के लाएंगे तो कैसे हो जाएगा ग्राफ, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो मेरा ग्राफ होगा किसका होगा, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस टू का होगा। अब हमको बोला जाए तीसरा केस कि नहीं y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री, हमको बताइए कि क्या होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस थ्री यूनिट माइनस थ्री है, इसको क्या करना है, इस ग्राफ को उठा के तीन यूनिट शिफ्ट कर देना है। तो देख लेते हैं, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और आगे ये जो भी है, तो ये ऐसे करके हो जाएगा। तो ये जो मेरा फंक्शन वो है y ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस थ्री। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, देख सकते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, आप किसी का भी उठा सकते हैं, जैसे कोई भी ग्राफ हो, मान के लिए कोई फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कुछ भी है, आई डोंट नो, हमको बोला जा रहा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू बताइए, तो कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ को टू यूनिट इधर शिफ्ट कर देना है, शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ जैसे जीरो है, ये मान चलिए यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है और ये यहाँ पे थ्री है। तो हमको क्या करना है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस टू है इसको टू यूनिट इधर शिफ्ट करना है। तो ये जो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ पे देखिएगा ये जो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है ये कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये इधर माइनस की जगह आ जाएगा। तो ये जीरो हो गया, ये माइनस वन हो गया, ये माइनस टू हो गया। तो अब जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस फोर, तो यहाँ पे जाएगा मैक्सिमम पॉइंट और ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये यहाँ पे कितना वन, जैसे एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं, ये मैक्सिमम पॉइंट है जीरो पे और ये यहाँ पे वन और ये यहाँ पे माइनस वन है, हमको नहीं पता ये कौन सा ग्राफ है, हमको मालूम है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर में समथिंग है। तो जैसे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, अब हमको बोला जा रहा है कि नहीं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस टू, बताइए क्या होगा, ये y ऑफ f एफ एक्स है, हमको बोला जा रहा है y ऑफ f x प्लस टू बताने के लिए क्या होगा, कुछ नहीं जीरो है, यहाँ पे माइनस वन है, माइनस टू और ये यहाँ पे माइनस थ्री। तो देखिए जीरो पे मैक्सिमम पॉइंट पे ही अटेंड कर रहा है। तो अब हम इस ग्राफ को अगर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो कितने से शिफ्ट करेंगे, टू यूनिट से शिफ्ट करेंगे, तो ये कहाँ पहुंचेगा, माइनस टू पे पहुंचेगा ये वाला पॉइंट ऑफ ए ग्राफ मेरा, ऐसा रहेगा, ये यहाँ पे माइनस वन के पास होगा। तो ये जो मेरा ग्राफ है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू, ये एफ ऑफ एफ एक्स, अब बोलेगा कि नहीं वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वन बताइए, तो कुछ नहीं करना है, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, यहाँ पे जीरो पे आना है, अब वो किस पे आएगा, वन पे आएगा, क्योंकि इस ग्राफ को क्या करना है, वन यूनिट से आगे शिफ्ट करना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा वाई ऑफ एफ एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा वाई ऑफ एफ एक्स। तो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, होप सो ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग पहला ट्रांसफॉर्मेशन सीख लिए,
कि y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x है, हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस माइनस a। ये पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अब हम लोग का दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि यदि y इज इक्वल टू f ऑफ x है, अगर हमको इसको बोला जाए ट्रांसफॉर्म करने के लिए f ऑफ kx, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि y इज इक्वल टू f ऑफ x को y इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू k। यहाँ पे एक इंटीजर है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक इंटीजर था। तो आइए हम लोग देखते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। हम पहला उठाते हैं और सिंपल सा y इज इक्वल टू sin x उठा लेते हैं। ये यहाँ पे जीरो है, ये यहाँ पे पाई बाई टू है, ये यहाँ पे पाई है, ये यहाँ पे थ्री पाई बाई टू है, ये टू पाई है, क्योंकि ये क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है, अब बोला जाए कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ टू एक्स बताइए। तो यहाँ जैसे यहाँ पे टू एक्स है, तो जितना भी होता है यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाता है, वन बाई के यूनिट हो जाता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। और ग्राफ जो रहता है, ग्राफ रिमेंस द सेम, ग्राफ रिमेंस द सेम। ये कंडीशन हम इसका बता रहे हैं, इसका नहीं है, ये कंडीशन सेकंड वाले का है कि वन बाई के यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस एंड ग्राफ रिमेंस द सेम। मतलब ग्राफ सेम हो जा रहा है और मेरा जो एक्स एक्सिस में है वो वन बाई के हो जा रहा है। तो अगर ये वाई इक्वल टू साइन एक्स है मेरे पास, तो ग्राफ मेरा सेम रहेगा, ग्राफ वैसे का वैसा ही रहेगा, ग्राफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। बस जो एक्स एक्सिस में जो कोई यूनिट जो वैल्यू पर्टिकुलर एक एक्स एक्सिस को अटेंड कर रहा था वाई में, वो क्या हो जाएगा वन बाई के टाइम्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन टू एक्स है, ये क्या हो जाएगा वन बाई टू हो जाएगा। जैसे जीरो बाई टू हो जाएगा तो ये जीरो गिराने वाला है, और यहाँ पे ये पाई बाई टू था तो पाई बाई टू नहीं होंगे, ये पाई बाई फोर हो जाएगा इंटू वन बाई टू, डेट इज पाई बाई फोर हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू हो जाएगा, ये थ्री पाई बाई टू था तो ये क्या हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर हो जाएगा, ये टू पाई था तो ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। देखिए सब कुछ मिल रहा होगा कि वन बाई के यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस को, वन बाई के यूनिट को क्या अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ पे देख सकते हैं पाई बाई टू था तो पाई बाई फोर हो जा रहा है, थ्री पाई बाई टू था तो थ्री पाई बाई फोर है, पाई है तो पाई बाई टू है, टू पाई बाई तो यहाँ पे पाई हो जा रहा है। और ग्राफ रिमेंस द सेम, और ग्राफ हूबहू मेरा वैसा ही है। तो ये तो हो गया इसका। तीसरा भी बहुत इजी है, दैट इज y इक्वल टू अगर f(x) है मेरे पास कोई ग्राफ, और हम इसको क्या कर रहे हैं y ऑफ f(x) इनटू k। चलिए इसको हम एक बार अच्छे से लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे y इक्वल टू sin x है यहां पे, अब हमको क्या करना है y ऑफ sin ऑफ, जैसे कि y इक्वल टू 2 sin x लिखना है हमको। इसमें क्या होगा मेरा कि ग्राफ जो होता है इसका y एक्सिस के अलावा मेरा वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पे अगर पाई बाई टू, यहाँ पे वन था और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे माइनस वन था, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, हम क्या बोले थे वैल्यू उतना ही रहने वाला है। यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू माइनस वन है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन है। जैसे y इक्वल टू टू साइन एक्स है, इसमें क्या होगा ग्राफ में थोड़ा सा बदलाव आता है, क्योंकि इसका रेंज होता है वो बढ़ता है मेरे पास, और x एक्सिस में कोई बदलाव नहीं है। वहाँ पे x एक्सिस में देखिए बदलाव आया है, देखिए वन बाई के यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड ग्राफ रिमेंस द सेम। इसमें ग्राफ मेरा सेम नहीं है, ग्राफ मेरा बदलेगा, एक्स एक्सिस में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, जीरो जीरो यहीं पे रहने वाला है, पाई बाई टू रहने वाला है, ये पाई का पाई और थ्री पाई बाई टू और ये टू पाई। तो होकर क्या फिर, तो जैसे वहाँ पे वन था तो ये टू टाइम्स बढ़ जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी है, ये कुछ और भी ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, मान के चलिए। अब हमको बोला गया कि y इज इक्वल, इसका मान के मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 2 है, अब हमको बोल दिया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू 3, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना है, सेम बन लेना है बोर्ड में, ये जीरो, तो देखिए जीरो ये टू अटेंड कर रहा था, तो अब यहाँ पे क्या जाएगा टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। तो ये पहला दूसरा तीसरा, तो मतलब इसका कंक्लूजन आप लोग ये लिख सकते हैं कि ये टाइम्स द वैल्यू
या फिर कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ के। तो ये तो था टू हो गया, यहाँ पे टू लिखे थे, अगर मान चलिए वन बाई टू होता तो कुछ नहीं करते, उसको टू टाइम से हम लोग बढ़ा देते। तो इतना सा था, तो हम इस तक यहाँ पे हम लोग तीन ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं। अब चौथा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, अगर फंक्शन ऑफ एक्स को हम लोग अगर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स में करते हैं तो क्या बदलाव आता है, कैसे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ये लिख दी। अब हमको बोलेगा कि y इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x, कुछ नहीं होता है। ग्राफ को हम लोग को क्या करना पड़ता है, मतलब लेफ्ट साइड को राइट में रखना पड़ता है, राइट साइड को लेफ्ट में रखना पड़ता है। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो सेम ग्राफ बन जाएगा, वो वही हो जाएगा। अब जैसे कि दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, ये है मेरा ग्राफ y इज इक्वल टू एल एन एक्स है, या फिर एक और बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, e टू दी पावर x लेते हैं हम लोग, तो बहुत ही सिंपल सा ग्राफ होता है ये y इज इक्वल टू e टू दी पावर x। अब बोलेंगे कि नहीं y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x बना के दिखाइए, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे करके शिफ्ट किया जाता है। अगर आप इसको ऐसे करके शिफ्ट करेंगे y एक्सिस के अलावा, कैसा ग्राफ होगा, ये ऐसा चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x का ग्राफ होगा। कुछ नहीं करना है, इसको इस साइड लगा देना है, जैसे y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x था, इसको ऐसे करके बदलना था तो वो y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x आ जाता है। ये हुक क्योंकि सेम है, क्योंकि मॉड के अंदर है तो ये कुछ नहीं होगा, मॉड ऑफ x होगा तो वो ये सेम हो गया। और y इक्वल टू e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये ग्राफ मेरा रियलिटी में ऐसा होता है। अगर हमको कहा जाए कि y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x लिखी, तो हमको क्या करना है, इसको ऐसे बदलना है y एक्सिस के अलावा ऐसे करके, तो हम जब बदलेंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा। ये होगा y equal to e to the power minus x की तरह। तो ये वाला भी समझ में आ गया और आप लोगों को। पांचवा ट्रांसफॉर्मेशन है y equal to f x है, अगर हमको माइनस ऑफ f x दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे y equal to modulus of x, ये ऐसे था, अब हमको बोला था कि नहीं y equal to minus of modulus of x, तो कुछ नहीं करते हैं, x एक्सिस के अलावा हम उसको क्या करते हैं, उसका इमेज देते हैं, मतलब उसको पलट देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये इक्वल टू y इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ x, कुछ भी ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ले लीजिए, जैसे ये ग्राफ है y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। अब हमको बोला था कि नहीं y इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, बताइए कि क्या हो, कुछ नहीं करना है, हम सिंपल सा बोले हैं कि x एक्सिस के अलावा उसको क्या करना है, पलटना है, इमेज लेना है, बस नीचे इसका इमेज के, तो ये ऐसा हो जाएगा। कोई भी ग्राफ उठाइए, कुछ भी उठा दीजिए, जैसे ये ऐसे, ये मान चलिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, हमको बोला गया कि y इज इक्वल टू माइनस फंक्शन ऑफ x बताइए, तो कुछ नहीं करना है, हमको इसको x एक्सिस के अलावा पलटना है। तो यहाँ पे है मान चलिए 1 0 पे 1 ले रहा है, तो 0 यहाँ पे 1 ले रहा है, तो कुछ नहीं, ये माइनस 1 पे लेगा, और ये मान चलिए माइनस 1 है, यहाँ पे ही माइनस 1 को पलट रहे, ऐसे हो जाएगा। इसको जब पलटिएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये जो मेरा होगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ x होगा। तो ये भी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को उसको समझ में आया होगा। तो चलिए हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए दोनों को मिक्स करके दिया जाए, ठीक है, कि अगर फंक्शन ऑफ x अगर मेरा कोई है, अगर इसको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है फंक्शन ऑफ के एक्स प्लस माइनस सी, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको ग्राफ बनाना होगा फंक्शन ऑफ के एक्स का। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे फंक्शन ऑफ के एक्स का। तो इस ग्राफ को हम बोले थे कि 1/k टाइम्स हो जाता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ग्राफ सेम रहता है बस वैल्यू एक्स एक्सिस में मेरा डिफरेंट हो जाता है, और फिर 1/k टाइम्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस करने के बाद हम लोग फिर बनाएंगे फंक्शन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ए का। तो अगर वो प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस है तो प्लस है, और इसको हम कितना यूनिट शिफ्ट करेंगे, माइनस या फिर प्लस ए बाई के यूनिट्स। आइए एग्जाम्पल में हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, समझेंगे, जैसे y इज इक्वल टू टेन ऑफ x है, तो नॉर्मल ग्राफ होता है y इज इक्वल टू टेन ऑफ x देखिए। अब हमको दूसरा में अगर इसको ट्रांसफॉर्म करके कर लेंगे, पहला कैसे, वही
दूसरा केस है, दूसरा केस में हमको बोला कि नहीं y इज इक्वल टू टेन ऑफ टू एक्स माइनस पाई बाई टू बनाइए। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे कि y ऑफ टेन ऑफ टू एक्स बनाए, तो टेन ऑफ टू एक्स हम बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या करना है पाई ऑफ टू एक्स, तो हम क्या बोले थे वन बाई टू हो जाता है, अगर k है तो वन बाई के हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे टू है तो वन बाई टू हो जाएगा, तो पाई ऑफ टू क्या हो जाएगा पाई ऑफ टू का वन बाई टू दैट इज पाई बाई फोर, पाई का वन बाई टू दैट इज पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू का वन बाई टू डेट इज थ्री पाई बाई फोर। तो ये y इक्वल टू टेन ऑफ टू एक्स हो गया। अब देन हम बनाएंगे y इक्वल टू टेन ऑफ टू एक्स माइनस पाई बाई टू का यहाँ पे, तो हमको क्या करना है इस ग्राफ को शिफ्ट करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस में हम लोग शिफ्ट करेंगे कितना यूनिट से पाई बाई टू इंटू वन बाई टू यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हम बताया हुआ है कि माइनस और प्लस ए बाई के यूनिट्स लोग शिफ्ट करते हैं ग्राफ को। तो देखिए पाई बाई टू इंटू वन बाई टू मतलब पाई बाई फोर यूनिट हम लोग शिफ्ट करेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो अगर हम उस ग्राफ को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ये जीरो है तो फिर ये यहाँ पे पाई बाई फोर है, तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगा पाई बाई फोर, ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू जो भी अटेंड कर रहा था वो पाई बाई फोर पे अटेंड करेगा। देखिए ये पाई बाई टू आगे चला जाएगा वो थ्री पाई बाई फोर पे आ जाएगा, टेम्पो कितना यूनिट शिफ्ट करना है प्लस पाई बाई फोर यूनिट शिफ्ट करना है। अब सेवन ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे फंक्शन ऑफ एक्स है हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है के टाइम्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ये, तो कुछ नहीं जैसा यहाँ कर सकते बिल्कुल वैसा यहाँ करें, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं वाई इक्वल टू साइन एक्स का, वाई ऑफ साइन एक्स दी है तो साइन एक्स का सबको मालूम है सिंपल से ग्राफ कभी से वही डिस्कस करते आ रहा है, हम लोग इसको बना रहे हैं वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस थ्री, तो सबसे पहले हम वाई इज इक्वल टू टू साइन एक्स करेंगे, तो इसके लिए क्या होता था कि टू टाइम्स हो जाता था वैल्यू किसमें वाई में, तो अगर ये यहाँ पे वन है और ये यहाँ पे मिनिमम माइनस वन है तो वो बढ़ेगा टू टाइम्स हो जाएगा, लेकिन टू हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, फिर हम लोग बनाएंगे वाई ऑफ इक्वल टू टू साइन एक्स प्लस थ्री, अब क्योंकि ये प्लस थ्री है तो क्या होगा ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, तो जब ऊपर शिफ्ट होगा तो उठाइए यहाँ पे जैसे कि ये जीरो टू हो रहा था, जब इसको ऊपर करेंगे तो टू कहाँ जाएगा प्लस थ्री में ऊपर जाएगा तो फाइव हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे फाइव हो गया, अब यहाँ पे माइनस टू है, अब इसको ऊपर यूनिट्स तीन यूनिट से शिफ्ट करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री डेट इज वन हो जाएगा, तो यहाँ पे वन हो गया, तो देखिए जीरो पे यहाँ पे थ्री है, फिर यहाँ पे फाइव बाई टू पे सब वैल्यू कितना आएगा फाइव आएगा, फाइव पे इसका वैल्यू कितना आएगा थ्री आएगा, थ्री फाइव बाई टू पे कितना वैल्यू आएगा वन आएगा, टू फाइव पे क्या होगा उसका वैल्यू थ्री होगा। बस ये मेरा सेवन ट्रांसफॉर्मेशन था, जस्ट लाइक कोई सा भी आप लोग उठा सकते हैं, यहाँ पे प्लस ए था तो हमने क्या किया ऊपर शिफ्ट किया, अगर मान लीजिए माइनस ए होता यहाँ पे माइनस थ्री होता मान के चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसको नीचे लाते हैं, जो जो कि यहाँ पे मैक्सिमम टू था तो कितना होता है टू माइनस थ्री डेट इज माइनस वन, और माइनस टू के ऑफिस पे माइनस थ्री करते डेट इज माइनस फाइव। तो ये था मेरा सेवन ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हमारा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, अगर फंक्शन ऑफ एक्स है और हमको बोला जा रहा है फंक्शन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, कोई फंक्शन मान लीजिए ई टू द पावर है, हमको बोला गया ई टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ बताइए, ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है, तो ई टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, इसमें क्या होता है रिमूव किया जाता है लेफ्ट पार्ट को, रिमूव द लेफ्ट पार्ट एंड टेक द इमेज ऑफ राइट पार्ट इन लेफ्ट पार्ट अलोंग या फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। चलिए ये तो हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे लेकिन एग्जांपल से हम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कहने का अर्थ है वाई इक्वल टू द पावर एक्स है, तो बना हमको बनाना है ई टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स का, ये वाई इक्वल टू द पावर एक्स का ग्राफ है, अब हमको क्या बोला जा रहा है कि रिमूव द लेफ्ट पार्ट, तो लेफ्ट पार्ट को हम लोग रिमूव करेंगे, ये ऐसे है मतलब ये जो मेरा ऐसे करके जा रहा था ये वाला पार्ट इसको हम क्या करें रिमूव करेंगे, ठीक है, और फिर बोला जा रहा है टेक द इमेज ऑफ द राइट पार्ट इन लेफ्ट पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब इसका इमेज लेना है लेफ्ट पार्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ऐसे तो ये जो मेरा ग्राफ होगा वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर मॉड्यूलस ऑफ एक्स ग्राफ होगा, कुछ भी ले सकते हैं जैसे
ये एक मान लीजिए है मेरा कोई फंक्शन ऑफ एक्स है। अब हमको बोला जा रहा है कि नहीं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ x, बताइए क्या होगा। तो ये फंक्शन ऑफ x है तो मॉडुलस ऑफ x में क्या बोला जा रहा है कि लेफ्ट पार्ट को रिमूव कीजिए तो रिमूव की और राइट पार्ट को रिमूव करने में, तो ऐसे ही जा रहा है। और फिर इसका इमेज लेना है किसके y एक्सिस के, हम ऐसे बस यही है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ x। छोटा सा कंसेप्ट है हमारा नाइन ट्रांसफॉर्मेशन कि अगर फंक्शन ऑफ एक्स है और हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स ये ब्रैकेट के अंदर में। फॉर एन एग्जांपल वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, तो ये वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अगर आप लगता है और हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, इसमें कंसेप्ट होता है कि रिमूव द राइट पार्ट, जस्ट एट वाले का उल्टा रिमूव द राइट पार्ट। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम अपने लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो जैसे बस आपको समझ में आना चाहिए। रिमूव द राइट पार्ट को अपने जैसे ये राइट पार्ट था उसको रिमूव किया देखिए एंड टेक द इमेज ऑफ लेफ्ट पार्ट एंड टेक द इमेज ऑफ लेफ्ट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये मेरा वाई एक्सिस है, इसके इमेज लेना है इसके रिस्पेक्ट में। तो देखिए राइट पार्ट को हम लोग रिमूव की इसके करके हटा दी और इसका इमेज ले ली वाई एक्सिस में, तो ये हो जाएगी। अब जैसे लास्ट हम लोगों का टेंथ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी मेरा ग्राफ है, अब हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स का पूरे हम लोग मॉडल लिए हुए हैं यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल है वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, एल एन एक्स का ये ग्राफ होता है, अब हमको बनाना है वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एल एन एक्स पूरे मॉडल लिए। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है कि रिमूव किया जाता है लोअर पार्ट को, रिमूव द लोअर पार्ट ऑफ द ग्राफ। ये सब आप लोग अपने से भी समझ सकते हैं, रिमूव द लोअर पार्ट ऑफ द ग्राफ एंड टेक द इमेज ऑफ लोअर पार्ट एंड टेक द इमेज ऑफ रिमूव लोअर पार्ट इन एक्स एक्सिस एंड टेक द इमेज ऑफ रिमूव लोअर पार्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। लोअर पार्ट को हम लोग रिमूव कर रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, पर भी इमेज ले लेना एक्स एक्सिस के जैसे यहाँ पे की है, क्योंकि मॉडल लग गया तो कोई भी साइन हम लोगों का यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा यहाँ पे तो वो निगेटिव वैल्यू तो आना है नहीं, इसलिए यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा, इसलिए इसका हम लोग इमेज ले लेते हैं। तो ये बस दस ट्रांसफॉर्मेशन था, अब इस पर कुछ क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।